तो जैसा कि मैंने बताया था कि रेडमी रियलमी का जो 3 आया था उसमें मैं बताया था कि बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा रियलमी 3 वर्सेस रेडमी नोट 7। जी हाँ, प्रो नहीं, सिर्फ नोट 7, जो कि आज फ्लिपकार्ट में मिल रहा था और बहुत जल्द स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया। लेकिन कल आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। जी हाँ, जैसे ही डिलीवर हो जाएगा आपको अनबॉक्सिंग वीडियो और धीरे धीरे करके बाकी सब वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के लिए चैनल को स्टे ट्यून करिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। आगे बढ़ते हैं। जो तो जैसे कि बताया था कि आज हम बात करेंगे ऑन स्पेक्स। जी हाँ, जो पेपर कंपेरिजन वो करेंगे और आने वाले टाइम में, यानी कि मार्च 12 के बाद, क्योंकि 12 तारीख को आपको रियलमी 3 मिलेगा, तो उसके बाद आपको फुल डिटेल्स, आपको कंपेरिजन एक वीडियो देखने को भी मिल जाएगा दोनों फ़ोन के बीच। नमस्कार, टेकी पॉइंट के और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि बताया कि आज हम कंपैरिजन करेंगे रियलमी 3 वर्सेस रेडमी नोट 7। और कंपैरिजन में आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना। लाइक करने में क्या जाता है, फ्री में है, जस्ट हाथ नीचे बटन होता है, क्लिक करने से लाइक हो जाता है। तो प्लीज अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, दोनों का स्क्रीन साइज की पहले डिस्कस करते हैं, उससे पहले डिज़ाइन बताया। तो डिज़ाइन दोनों में लगभग सेम ही दिखेगा, दोनों का डिज़ाइन सेम दिखा। लेकिन क्या है, रेडमी जो नोट 7 है उसमें आपको दोनों तरफ ग्लास मिलेगी। जी हाँ, फ्रंट एंड बैक में कर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा और इसमें आपको प्लास्टिक मिलेगा रियलमी 3 में, क्योंकि रियलमी 2 था, 2 प्रो, जो भी रियलमी का सीरीज आता है सब में प्लास्टिक मिलता है लेकिन दिखता है ग्लास की तरह, तो उसी तरह का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको कर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले साइज की बात करते हैं। तो नोट 7 में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल एच डी प्लस वाला डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, 415 NTS का वाला ब्राइटनेस डिस्प्ले मिलता है। जी हाँ, निट्स जिसको बोलते हैं वो वाला मिलता है आपको डिस्प्ले। ऊपर से जैसे बता दिया कि डिस्प्ले में प्रोटेक्शन मिला कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का। रियलमी 3 की बात करते हो, 6.2 इंच का FHD नहीं है, यहाँ पे HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आपको फुल HD प्लस नहीं मिल रहा है, सिर्फ HD यानी कि 720p वाला पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। और नॉच की बात करें तो नॉच दोनों में सेम दिखता है, लेकिन थोड़ा सा ये V डिज़ाइन का है रियलमी 3, और जो नोट 7 है वहाँ पे आपको U डिज़ाइन, जो कि सैमसंग के हिसाब से हम देखेंगे। नहीं तो यहाँ पे आपको डॉट नॉच डिस्प्ले मिलता है, वहाँ पे डी ड्रॉप डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर की बात करते हैं। तो यहाँ पे मीडियाटेक का वीलियो P70 मिलता है रियलमी 3 में, और नोट 7 में आपको क्वालकॉम का 660 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो ये आपके ऊपर बेस है, अगर आपको क्वालकॉम ज़्यादा पसंद है 660 तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, नहीं तो आप P70 दे सकते हैं, ले सकते हैं मीडियाटेक का, वो भी अच्छा प्रोसेसर, खराब प्रोसेसर नहीं है। लेकिन अगर आपको क्वालकॉम पसंद है तो आप 660 के साथ जा सकते हैं, यानी कि नोट 7 के साथ जा सकते हैं। कैमरे की बात करते हैं, तो कैमरा भी आपको सामने की तरफ दोनों में सेम मिलेगा। जी हाँ, 13 MP का कैमरा, लेकिन जो रिव्यू बता रहे हैं कि जो रेडमी नोट 7 है उसका कैमरा थोड़ा सा बेटर है रियलमी 3 से। पीछे की बात करते हैं, तो रियलमी में आपको 13+2 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। वहीं हम बात करते हैं रेडमी की, यानी कि नोट 7 की, तो यहाँ पर आपको 12+2 MP का कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरे के बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता है। होपफुली मुझे जहाँ तक लगता है रेडमी का जो भी फ़ोन आते हैं थोड़ा कैमरा बेटर रहता है रियलमी कंपैरिजन करके। अगर वही सेम बजट में देखें तो नोट 7 शायद से अच्छा हो सकता है, लेकिन जब फ़ोन आएगा तो ऑनेस्टली वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो OS वगैरह की बात करें, दोनों का अलग अलग OS रहता है, लेकिन दोनों 9 पॉइंट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, एंड्रॉइड 9 पॉइंट के ऊपर आपको दोनों को देखने को मिल जाएंगे। बैटरी की बात करते हैं, दोनों में आपको 4000 mAh का मिल रहा है, लेकिन रियलमी 3 में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, 4230 mAh का बैटरी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी चीज़ की बात करें तो बाकी चीज़ दोनों में सेम भी मिलता है। अब बात करते हैं पोर्ट की, यानी कि USB पोर्ट जो होता है, तो यही रियलमी 3 में आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो नोट 7 है यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस मामले रेडमी का नोट 7 थोड़ा आगे निकल रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादा रेडमी का जितने भी फ़ोन आ रहे हैं, आने वाले हैं जितने भी हैं, और ये से रेडमी नोट से शुरू हो गया है ये, तो यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन रियलमी वो उसका जो बड़े भाई लोग हैं उनके साथ चल रहा है, यानी कि ओप्पो वीवो के साथ मुझे लगता है चल रहा है, इसीलिए वो माइक्रो USB पे ही अटका हुआ है। तो ये था एक क्विक ऑन पेपर कंपैरिजन दोनों फ़ोन के बारे में। प्राइस की डिफरेंस की बात करते हैं, तो 1000 का डिफरेंस चल रहा है। जो रियलमी का 3GB 32GB वर्सन है वो आपको 9000 पड़ता है, और नोट 7 का 3GB 32GB वर्सन है वो आपको पड़ता है 10000 रुपया। उसी तरह 4GB 64GB दोनों का बताया, तो रियलमी 3 का 11000 और नोट 7 का 12000 रुपया पड़ता है। तो इसी हिसाब से देखें तो 1000 में आपको आप पसंद कर सकते हैं दोनों फ़ोन के हिसाब से, वेरिएशन के हिसाब से, यानी कि 3GB या 4GB कौन सा लेना चाहते हैं, और प्राइस डिफरेंस 1000 का रहता है। तो आपको अगर रेडमी पसंद है, रेडमी ब्रांड MI पसंद है, तो आप MI के ऊपर जा सकते हैं अभी के लिए। जब रिव्यू आएगा तो उसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, लेकिन अभी के लिए दोनों फ़ोन अच्छा है।
पबजी लवर के लिए तो बेस्ट है दोनों फ़ोन 10,000 के अंदर, स्पेशली जो 3G मॉडल उसके बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों जो फ़ोन है उसमें पबजी आराम से चल जाएगा, और इतना नहीं SD तक भी चल जाएगा। जी हाँ, दोनों फ़ोन में P70 तो SD का भी सपोर्ट कर लेता है, तो दोनों फ़ोन पबजी आराम से चल जाएगा और पबजी खेलने में दिक्कत नहीं आएगा। तो पबजी लवर के लिए ये दो फ़ोन बेस्ट है, और मुझे जहाँ तक लगता है इसको कम्पीट करने के लिए और भी जितना कंपनी है वो भी शायद से आगे आ सकते हैं, और इस तरह बजट सेगमेंट में यानी कि 10,000 से नीचे इस तरह के प्रोसेसर के साथ शायद से लॉन्च होने वाले हैं। तो बस दोस्तों, ये था एक क्विक कंपैरिजन दोनों फ़ोन के बारे में। जी हाँ, रियलमी 3 नोट 7 के बारे में कैसा लगा जरूर से बताएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और इसके वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दोनों फ़ोन के बारे में। और किसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं, और इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन लिख सकते हैं। और कल आपको इसका नोट 7 का अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत जल्द मिलने वाला है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जैसे बहुत बार बोल चुका तो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा है तो, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे थे टेक्की पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।